हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंडपुर सीजन 2 के एक और एपिसोड में। और मैं हूँ जीपो और ये है पीछे मेरा दोस्त लूपी, पार्टनर इन क्राइम। और हमारा ये ऑफिस है, नया ऑफिस जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, हमारी छोटी सी बेस और पार्ट टाइम ऑफिस भी बोलते हैं हम इसको। और यहाँ पर हम हमारे सारे प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। और हम करने वाले हैं आज के एपिसोड में दिवाली स्पेशल प्रैंक्स, तो देखते जाइए कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारे नए शिकार कौन हैं और क्या नए प्रैंक्स होंगे उनके साथ। ओके, तो ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में रहेगी। पहले हम हमारा पहला शिकार ढूंढेंगे और उसके बाद हमारा दूसरा शिकार है। यस, ठीक है, तो देखते रहिए और लुफ्त उठाइए और किसी को बताना है कि हमारी नई बेस किधर पे है। ऑलराइट, ये है मेरा दोस्त लूपी। हेलो लूपी, व्हाट्स अप? आई लाइक टू डू पीप पीप पीप। कैसा चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है भैया। आज पता नहीं खुजली मच रही है हाथ में कि किसी को तो बढ़िया तरीके से प्रैंक करना है। नमन गेमिंग स्पेस, ओ माय गॉड। ये पता नहीं क्यों जब भी मैं इसका नाम पढ़ता हूं ना, मेरे को इसको प्रैंक करने का मन करता ही करता है। तो इसको पर आज नहीं करेंगे, छोड़ो। एफएफजी स्पेस, उधर क्यों जा रहे हो? बोला ना प्रैंक करने का मन। अच्छा, मतलब कि AK22 की बेस पे जाना। अच्छा, तो चलना उसमें बचा के आऊंगा मैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसके घर पे जाऊं कुछ ना करके। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसका, छोटा मोटा कुछ कर देते हैं। चलो व्हाट शुड, इसके लावा की जगह पानी लगा देते हैं। डाय वो डाय देख के हर बार हंसी आती है। डाय देख के मरती है गाय, वो लावा से नहीं मरती। ओ, इसके पीछे पर्पल शीप क्यों है? अरे रुक रुक, इसकी शीप को अपन कलर कर दें क्या दूसरा? हाँ, इनके सारी शीप को पर्पल कर देते हैं, बस एक को व्हाइट छोड़ देते हैं, तो उल्टा हो जाएगा इसका एकदम। ठीक ये कर देते हैं। पर्पल कहाँ से लाएंगे पर यार? पर्पल मेरे पास रखी है मेरी बेस पे। आपकी बेस किधर है जूपी? मेरी बेस नहीं, एकन है ना, एकन उसकी बेस से लेकर आता है, उसकी बेस पे बहुत आपको बड़ा प्यार है जीपो एकन से। अब क्या करें, माल अच्छा मिलता है ना उसके पास। अच्छा है, बाकियों से तो डायमंड बहुत लेता है वो, अच्छा है अपन से नहीं ले पाता तभी तो। अपन उसके एक दिन डायमंड लेके भागेंगे। ओ, बैनर भी तो कितना गंदा सा बनाया है बंदे ने, सच देख रहे हो? अच्छा लगता है वैसे देखने में। नहीं नहीं यार, तुम्हें ऐसे कैसे अच्छा लग रहा है? कहाँ है अच्छा? हाँ चलो देख लो, पहले कोई है तो नहीं ना इधर, लगता तो नहीं है। कैमरे से अपन ने हैक कर दिए थे पहले से, किसी ने हमें बताया था टैब दबा सकते हैं, हम वो दबा के देख लेते हैं अब। अरे हाँ, नाइस। क्या करना था इधर? आपको पता होगा भाई, वो बहुत बार आए हो इधर तो। ओहो, सारे रास्ते पता है आपको है? क्यों जीपो भैया, अरे हिडन चेस्ट भी पता है आपको? अरे बाप रे, अरे बाप रे भैया, ये तो हमको भी नहीं पता थी। इसमें क्या क्या है हम भी देख लें, जरा देख ले, नहीं देख ले, देख ही लेते हैं हम, दिखा दी मैं उसमें, नहीं दिखा रहा। खाली सेलकर बॉक्स पड़े हैं, बढ़िया है बढ़िया, पड़े रहने चाहिए। चलो मिल गए मिल गए, पेपर डाइल निकलते हैं अभी यहाँ से। हाँ, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इसका घोड़ा बड़ा घास चर रहा है भैया, एक काम करता है जो कैंप फायर दिख रही है ना, उसको नीचे कर देते हैं। नहीं नहीं, घोड़ा मर जाएगा तो। अरे तो घोड़ा मरने दो ना, हमारा थोड़ी ना है, तुम्हारा है क्या? तुम्हारा घोड़ा है क्या? तुम्हारे नाम के ऊपर हमें कुछ दिख रहा है? बॉडी के ऊपर क्या लिखा है जे, एकन का? वो तो डिस्गाइज है ताकि शक जा रहा उस पे जाए, अपन मजे लें ऐसा। हमारे ऊपर क्या लिखा भैया? तुम्हारे ऊपर भी लिखा है भाई, लिखा भाई है? अरे जे कौन है? माइनपुर निवासी है ना, तुम नहीं जानते का? नहीं उको। अरे जे का चिपक रहा है हमारे ऊपर, कहा है जे? चलो चलो फिर अपन को नमनवा घोड़ा भी ढूंढना है। नमनवा के लिए नहीं, एफएफजी के लिए। हाँ, एफएफजी के लिए घोड़ा ढूंढना है। पिछली बार हम लोगों ने एफएफजी पे प्रैंक किया था क्या? नहीं किया था ना। नहीं, पिछली बार चंपू
और नमन पे किया था, नमन पे किया था। तो बिकॉज नमन इज नॉट बीइंग अ गुड बॉय, वी हैव टोल्ड हिम मेनी टाइम्स के सुधर जा भाई सुधर जा, पर नहीं हमने नहीं बोला, मतलब हम एपिसोड देखते हैं माइंडपुर के, हाँ मैं पता है कौन क्या बोलता है। ओ, अरे यार सारी कर दी क्या, अरे यार रुको रुको बोन मील निकालता हूँ मैं, इसके पास होगा ना इसी का सामान यूज कर। ओ मिल गई, बाबा बैग पर्पल शीप हो गई इसकी तो। नाइस बाबा ब्लैक शीप, ओह या वो दिवाली में है पुताई करके चल गया। पर पिछली बार हमने उसको जब प्रैंक किया था तब तो उसको एक हफ्ता लग गया जानने में कि किसने प्रैंक किया है। इसको लगेगा कि इन्होंने खुद से ही चेंज कर लिया, ऐसा बोलेगा वो। हाँ वो बोलेगा कि ब्रीडिंग करी होगी, बाकी सब खाली होंगे शीप। यहाँ पे कभी आता भी है ये, छोटकू सी जगह बना रखी है। आता है शायद। चलो चलते हैं। चलो अब अपन को जी का घूमड़ा उठ रहा है भैया। अरे हाँ हॉर्स मेरे एकन एकन वाया ना, उसके घर के पीछे बहुत सारे हॉर्स घूमते रहते। अच्छा। एकन बाके उधर चलते हैं। ये हर बात में एकन के घर क्यों जाना पड़ता है, कभी भाई भाई के घर चलो कभी मजा आएगा। भाई भाई के घर पे तुम्हारा पड़ोसी है ना वो? नहीं हमारा भैया, तो हमारी लोकेशन डिस्क्लोज करोगे का? ओ सारी भेरी भेरी सारी, ऐसे हम तुम्हारा घर बता दे रहे हैं। नहीं नहीं ना बताओ, बस फिर ऑफिस का एड्रेस भी ना बताओ। ऑफिस का एड्रेस तो भाई हम भी उधर ही रहते हैं तो हम क्यों बताएंगे। हाँ चलो चलो ओके। तो नमन के साथ हमने प्रैंक कर दिया है, पर FFG ताकि हमें यहाँ से ये ढूंढ के भगा ना दे, इसलिए थोड़े अच्छे काम भी कर लेते हैं हमारी गैंग जीपो एंड लूपी। सो FFG को एक अच्छा गिफ्ट देते हैं, ठीक है। और कोई एक बंदा है जिसको चंपू डूड को ये बोल रहा है उड़ जाओ उड़ जाओ, ये बोल रहा है कि सोने नहीं दे रहा, मॉन्स्टर है पास में, तुम इनके बेड पर सोओगे, हमारे दुश्मन के बेड पर तुम सो रहे हो, कहाँ करे हमारा सो भी लिए ना, साफ दिख रहा था इसलिए सो लिया। शर्म करो यार। अरे हमको लगता है कोई ब्लॉक उठा के ले गया जे। ए साला हम प्रैंकस्टर, ये क्यों प्रैंक कर रहा है इधर, कहाँ गया भाई वो लंबा पतले पैर? तो तुम्हारा थोड़ी ना ब्लॉक उठाया है, निकल लिया। आओ इधर, इधर बहुत सारे घोड़े हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि FFG पे करते हैं अच्छा प्रैंक, ठीक है। बट चंपू टूडे इज काइंड ऑफ अ गुड एंड अ बैड बॉय। Okay. तो उनके घर में दो बॉक्सेस पड़े रहेंगे। हाँ और एक में अच्छी चीज होगी एक में बुरी चीज होगी, ये तो अपने लिए बेकार हो जाएगा, अपने को डबल टाइम लगेगा। रुको रुको मुझे वो लेने दो लीश। ओके चंपू के लिए हम लोग डिस्पेंसर वाला सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो हर पास लीश है का? लीश है ना भैया, तुम बोलो तो सही। हमारे पास भी तोहार भी रखो दो लीश, थोड़ा सा खाना खा ले। लो तुम भी मुंह उठा कर ले, तुम हमारे दोस्त हो इसलिए तुम्हारा मुंह उठा कर, इसमें से कुछ भी ले सकता हो। अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो, कुकी कुकी खाओ। अरे बाह है बक कुकी, रस भरी कुकी, मजा आ गया। कौन सी बेकरी से बनवाए हो? एकन बाकी बेकरी से चुराए हम। अरे तुम चुराते ही रहो दीपो भैया, वो एकन बाकी बेकरी से चुराना था तुम्हें। क्या करें अब, कहाँ चले गए तुम? तुम्हारे पीछे हैं। ओ वो घोड़े उधर एक सफेद घोड़ा घूम रहा है, उसको ट्राई करते हैं। अरे बालक तो अच्छा रहा है, इसको तो हम ही रख लेते हैं। तुम्हारा बाद में फायदा सोचने का, ठीक है अभी जो काम आए ना वो कर लेते हैं। हमको मुर्गी अच्छी लग रही है, इस पर नहीं बैठ सकते क्या? छोड़ो। नहीं नहीं देखो इसका चेहरा भी अच्छा, उसको टेम नहीं करना है। अरे टेम तो नहीं करेंगे, अच्छा घोड़ा देना है भाई, एक ढंग का घोड़ा। तो फिर वो उसको कैसे वो कर सकते हैं? अरे हाँ अरे तो कोई भी बैठ सकता है ना, टेम करके। ठीक है मैं तो भूल गया था।
क्या करते हो यार जीपो भैया? मैं सैडल लेके आया फिर एक अनबा के पास। हाँ बहुत माल दबा है, हो गया है। कैसे लोग हैं यार, उन्होंने डेटा पैक नहीं डाला सैडल क्राफ्ट करने का है। उपसी है। तो हमको बड़ा आलसी घोड़ा लग रहा है यार। का है? चलिए एक जगह हिला भी नहीं अभी तक। अच्छा वैसे हम कभी नोटिस नहीं किए सुअर का बच्चा होता है का? सुअर का बच्चा नहीं, सुअर में से सुअर ही निकलता है। क्या बात कर रहे हो, मतलब छोटा वर्जन नहीं रहता सुअर का? नहीं निकलता है, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा जो तुमने भी बोला था। वही मैं भूल गया था। लो हमें ट्राई करने दो सेडल लगा तो के। तुम दो ना हमें जीपो भैया, का करते हो यार टाइम लगा दिए। देखो कितना, अरे भैया ये तो इससे गंदा तो मिल ही नहीं सकता भैया, इससे गंदा मिल जाए तो हम ही घोड़ा बन जाए फिर। फिर और ढूंढना पड़ेगा। तुम चला के देखो भैया, इससे तेज तो सुअर चलेगा। क्यों सुअर? बहुत स्लो है ये तो, चल ही नहीं रहा था तभी हमें पता। ओ भैया क्या करते हो तुम, मरना है क्या तुम्हें? अरे अरे भैया हम मर जाएंगे। अरे भैया क्या हो रहा है, ये तो हम पर ही प्रैंक किया जा रहा है। अरे निकलो निकलो। अरे मेरे को सैडल चाहिए थी उससे। ओ ये विलेज किसका है? एक घोड़ा बो रहा। अरे विलेज बनाया है कोई, तो कौन बनाए रहेगा, वो ही बनाए रहेगा जी तुम्हारा फेवरेट। हमारा फेवरेट ना है हम तो बस... अरे पिंक सीप मिली हमें, पिंक सीप। अरे भैया पिंक सीप इसको पकड़ना है हमें भैया, हमें गिफ्ट दे दो पिंक सीप प्लीज। हम पहले गिफ्ट का इंतजाम कर लेते दूसरे के लिए। इधर आओ, इधर घोड़ा है, बाद में तुम पिंक सीप ले लेना। चलो बढ़िया। कहाँ जाना है भैया हमें? कहाँ गया वो बोरा? कहाँ पे? अच्छा ओके। ओ शिट। हाय। ये लो। साला ये घोड़े इतने आलसू टट्टू क्यों है? अरे जे एकन की वजह से हैं भैया, बता रहे हैं हम। चलाओ तुम। ऐसे ऐसे घोड़े पाल रखे हैं उन्होंने अपने घर के पास में। ऐसे जंप तो अच्छा है, जंप तो बहुत अच्छा है, जंप अच्छा है। ये क्या अंडे फेंके क्या? हाँ अंडे बहुत हो रहे हैं। नहीं हाँ अच्छा यार जंप तो बहुत अच्छा है ना। देखो ऊपर तक कूद रहा है, कर गया बंदा। नाइस क्या बात है। चलो फिर इको ही लेकर जावत है। अरे नहीं नहीं स्पीड अच्छी नहीं है ना। अरे बाप रे क्या करना है फिर, स्पीड देना है कि जंप देना है? दोनों ही देना है। फिर ढूंढत है उसकी सैडल ले लो। मेरे पास तो आप ले लो। घोड़े दो ही थे क्या इधर? होने चाहिए और। अरे यार मुझे रॉकेट बनाने पड़ेंगे, रॉकेट खत्म हो गए मेरे पास। तुम्हारे पास कितने रॉकेट हैं? 34। उधर क्यों चले गए? उधर नहीं है कुछ भी। ये रहा इधर घोड़ा मिला, दो दो हैं। अरे इधर बहुत सारे घोड़े हैं, इधर आओ इधर आओ। आ गया। वो देखो एक पीछे काला घूम रहा है, मैं उस पर जा रहा हूँ। सैडल है ना तुम्हारे पास? यप। वायर ये तो मस्त लग रहा है, काला कट। ओह वो डार्क ब्राउन है। ए ए मेरे को बीच में शीप आ गई, मेरे को लगा आप उसकी बात कर रहे हो। यो इसकी सही स्पीड है। ओ इसकी भी सही स्पीड है यार, इसकी जंप देखें। डिसेंट है पर, जंप डिसेंट सा है। इसका भी जंप इतना नहीं है। अगर ये पेड़ कूद जाए ना, मतलब जंप अच्छा है उतना बहुत रहता है जंप। कौन सा वाला पेड़? ये वाला। हाँ पेड़ के ऊपर चढ़ जाए तो
नहीं चढ़ पा रहा। ऑलमोस्ट चढ़ रहा है मेरा वाला, पर चढ़ नहीं पा रहा। एक और है उधर देखो, ब्राउन वाला। रुको, इसकी साइड बड़ी टेस्टी है भैया तुम्हारी, मानना पड़ेगा। मार नहीं है, हम चुरा के लाए। चुराई चीज अच्छी लगती है वैसे। वो तो बात सही करी तुमने। बहुत अड़ियल घोड़ा है। बहुत ज्यादा ही अड़ियल है भैया। चलो आखिरकार प्यार किया इसने हमसे। स्पीड तो अच्छी है, स्पीड अच्छी है। अरे भैया जंप तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। क्या बात है, अड़ियल है पर मस्त है यार। अड़ियल है बहुत मस्त है। नाइस। ये फुल में, ये एक सेकंड फुल नहीं कर पा रहा मैं इसलिए शायद से। ओ वाह, ये हुई ना बात। इस वाले पे देखते हैं, इस वाले पे शायद नहीं चढ़ पाए पर देखते हैं। चाह रही है, तीन तो कर ही रहा है वो। थ्री एंड हाफ चढ़ रहा है ये। सही है, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ चलो चलते हैं, इसको ही ले जाते हैं। कैसन ले जाना है ये बताओ। कैसन ले जाना है, कितनी दूर है इनका? बोट पे बैठा के ले जाएं? बोट पे बैठ जाता है क्या? नहीं नहीं, बोट पे बैठेंगे और लीश से बांध के रखेंगे, पीछे पीछे आते रहेगा वो। या तो फिर उससे ले जा सकते हैं, पर पोर्टल से रिस्क रहता है मरने का, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है ना। हाँ, और ऊपर से अपना पोर्टल भी बहुत रिस्की, आग वाग है बहुत। चलो फिर तने के घर के वो ब्रिज पे मिलो, ब्रिज पे, एकनवा के ब्रिज पे। ठीक है, मैं बोर्ड बना के लेकर आता हूँ। तने की बेस से कितनी दूर है उनका? पास में ही है। इतना अच्छा तो एकनवा का घोड़ा भी नहीं होगा ना। एकनवा का घोड़ा है एकदम स्लो। ओह, पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग दी है भैया एकनवा। एमराल्ड दिए हैं, अरे वाह। सब ले लोगे, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। अरे तुम ले लो, चलो कोई बात नहीं, दे देते। कुछ सबूत तो नहीं छोड़े हो ना तुम? सबूत भैया बस निकल गई थी सुसु तो कर दिए। कच्चा बच्चा तो नहीं उतारे थे कहीं इधर? कच्चा बच्चा तो नहीं उतारे, एक दो चिकन डर गई होंगी कच्चा उतारे होंगे तो, पर नहीं ऐसा हम किए नहीं, तो चिकन भी कुछ नहीं कर पाएंगी, पर हाँ मुँह तो जरूर हैं हम उधर। वैसे हमारा कच्चा हम दूसरे का ही पहनते तो उसी के ऊपर इल्जाम आता है। अच्छा, तभी मैं सोचू नमन के ऊपर कौन चिल्ला रहा था, मतलब क्यों चिल्ला रहे थे लोग कि तुम उसका कच्चा पहन लिए थे क्या? हाँ। अरे भाई साहब, कच्चा पहने भी तो किसका पहने तुम? पहले ये बताओ कहाँ गए तुम? तने के पोर्टल पे। तने के पोर्टल से नहीं जाना है तो? स्पीड बड़ी मस्त है यार बंदे की, हार्ट्स कम है बस। चल कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कम हो गई। नो वन इज परफेक्ट, क्योंकि उससे बहुत और देर हो जाएगी। बोट से चलते हैं ना, खींच के ले जाएंगे पास में। सो जाओ, पहले सो जाओ, सोने जाओ, बेड लेके आता हूँ मैं। एकन बाकी बेस, हम एकन बाको का प्रैंक करेंगे भैया। एकनबा को बोलो कब करना है। करें आज, ठीक है। उनके बेस को बम्बार्ड कर देते हैं, बोलो। नहीं नहीं, बम्बार्ड करेंगे तो अपना कमाई का जरिया और जो अपन चुराते हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे? जब वो भी बात सही है, बात तो सही करे। मुर्गी को ही मार दोगे तो अंडा कहाँ से आएगा फिर? दूसरी मुर्गी से। दूसरी मुर्गी फिर अंडा नहीं देती ना वो। ओ, बैट हेड मिला शायद से। ओके, दैट वाज बैड। बैट हेड मिला पर वो कैक्टस के अंदर चला गया शायद। अरे यार, एक और ट्राई कर दे। ए, घोड़े पे नहीं बैठने का जीपो। मैं नहीं कर रहा ट्राई। उधर कहाँ जा रहे हो तुम? किधर जाने का? ओ, ट्राइडेंट वाला बंदा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ आ रहे हो तुम कहाँ से लाए ट्राइडेंट? यहाँ आओ और उस तरफ चलो। चलते हैं। अरे बकरी का घर है, देखो बकरी का घर। ए बकरी,
तुम्हार घर है का? घर तो बढ़िया बनाई है बकरी यार। तुम्हार घर है? अरे बकरी क्या बढ़िया घर बनाई है यार, मजा आ गया। बा इधर बैठ लांटेन सकते वांट। क्या? अरे भैया आहा, बैठ सकते हैं कि बैठ कटिंग सकते हैं इधर? करनी पड़ेगी? तुम्हार को भी बैठना है क्या? नहीं, अब इधर जगह आ तो रहा पूरी घूम रहा खाली है। पड़ी है, हमको लगा कि बकरी पूरा घास पास चढ़ती होगी पूरे दिन। अच्छा ये रहा इसका गार्डन। अच्छा, बकरी इधर घास खाती है, उधर बकरी गाय भी शर्मा गई, पालती है। शर्मा गई। चलो गाय, बकरी गाय पालती है का? अरे वो देखो, क्या है, अरे सर्कल और अंडा। ओह माय गॉड, समवन इज मेकिंग अ लार्ज बिल्ड आई गेस। हां कुछ भी बनाता रहता है। उधर मत जाओ, इधर चलो। ओके चलो चलते हैं भैया, चलते हैं। हमारे पीछे पीछे आओ, इधर उधर मत भागो। हम पैदल हैं, पता है ना तुमको? तुम घोटे घोड़े पे बैठ के कितने उचक रहे हो। स्लो हो तुम भैया। अब यहाँ से हमको नदी का सफर करना है, तो मैं बोट लेकर आया हूँ दो, ठीक है? तुम ई में बैठ जाओ, हम ई में बैठते हैं। काम करो एक चीज ट्राई करते हैं, तुम बोट में बैठो जिस पे हम खड़े हैं। चलो रुको रुको, अरे बढ़िया, रुको रुको रुको, इधर ही रुको, इधर ही रुको। रुकोगे? पीछे हाँ आओ पीछे। आराम आराम से चलाना, ठीक है? जब मैं बोलूं आगे तभी आगे बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, हल्का हल्का सा। चलो ऐसे 100 साल लग ऐसे ऐसे अपन अगली जाएंगे। दिवाली पे पहुंच जाएंगे। अगली दिवाली तक पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट एटर्निटी लेट। तुम बैठो ना उस पे, बैठो और इसको लीज बांधो। हाँ चलो ठीक है, जैसा आप कहें सरदार। देखते रहना, अब पीछे रहो, जरा मैं देखते पीछे रह रहो। रहा हूँ। थर्ड पर्सन में चलाओ, थर्ड पर्सन में तो पता रहेगा तुमको। वो छूटता है जाना तो मैं किधर पकड़ है? आप लूंगा। फिर आगे चलो, आप फिर आगे चलो, मेरे को रास्ता नहीं पता। जैसे आगे चलोगे मैं आपको देखूंगा कैसे। अरे हम तो बड़े कूट लगते हैं यार, हमारा लामा का सिर बड़ा कूट लगता है। सीधे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसा करते हैं, कुछ स्टोरी सी लिखते हैं कि FFG, आई हैव कम बैक टू लाइफ फॉर यू माई बिलव्ड, ऐसा कुछ करके अजीब सा क्लीशे लिख देते हैं। ऐसा लिखते हैं कि आपने जो मूर्ति बनाई इसको देख के मुझे वापस वो मिल गया, ऐसा कुछ। हाँ मोक्ष नहीं, क्या क्या बोलते हैं, आई गॉट अनदर लाइफ। क्या बनाऊँ? एक वो प्लैंक साइन बोर्ड इधर ही रख देते हैं ना इसको। इधर रखते हैं। एक वो है फेंस, है फेंस, फेंस से बांध दो अरे इसको। हाँ निम्बस लिखा हुआ है इधर, तो निम्बस नाम रखना है क्या इसका? मैं इधर आया था ना तो उनने बोला था इस पे नो नेम लिखा ना, तो निम्बस हाँ, नाम रखने के बोला और था। ये जो ये लिखा, ये सैडल रखी हुई, यही वाली सैडल हमें करनी चाहिए, तभी ऐसा लगेगा कि बैक टू लाइफ आया है। हाँ देना जरा, चलो वाली अपने पास रख लो, वाली लगा देता हूँ मैं एक ही उस पे बार। लगी तो है सैडल पहले से। हाँ तो लगा दी ना, ये वाली यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए बस। और हाँ निम्बस उसको ये निकाल यहाँ लो। पे नीचे इसके लिख दो आई एम बैक, कैसे करके कुछ, यहीं या पर कोड खड़ा करते ब्लॉक्स हैं यहाँ इसको, पे यहीं लिख पर दो। खड़ा हाँ करते हैं। यहीं पर और खड़ा रहना चाहिए इसको। तो एक काम करते हैं तो ना, हाँ, कारपेट्स वाला ट्रिक कर दो नीचे, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे वो लगा दो फेंसेस। एक ही थी क्या आपके पास? कारपेट्स लाए हो गोल्डन कलर के? गोल्डन कलर के कहाँ से लाए हम बताओ? मतलब ग्रीन कलर के चल जाएंगे ना? हाँ ग्रीन कलर के लगा दो, दो ग्रीन कलर के लगाने हैं और एक येलो कलर का लगाना। अरे भैया वैसे देखा जाए ना तो फेंसेस भी और बना लो और कारपेट भी और बना लो, कि वो उतने में नहीं खड़ा हो पा रहा है। अरे नहीं तो अपन एक काम करते हैं ना, उसको अपन वहीं से बांध देते हैं ना लीश से ही। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा,
अगर अपन लोगों ने वो कर दिया ना और उसके ऊपर कारपेट लगा दिया तो वो उसके ऊपर से निकल नहीं पाएगा ना। फिर मुझे मेरा अरे नहीं निकल जाएगा क्योंकि ऊपर भी तो कोई वो नहीं ब्लॉकेज नहीं है ना, निकल जाएगा। हाँ सही बात है। ठीक है तो ये हटा दो, वही कर देते हैं जो पहले था। पर यार फिर ऐसा लगेगा कोई लेके आया है उसको। तो फिर अंदर रखना पड़ेगा अपन को, यहाँ रख दें क्या कि यहीं रखते हैं? यार नहीं यहीं सही रहेगा। यहीं से सही रहेगा। एक काम करते हैं इसको तोड़, ओ इसको तोड़ के यहाँ पे एक वो लगा दो। अरे हाँ रुको, हाँ इसको पहले अंदर लेके जाओ। अंदर के हाँ यहाँ पे। हाँ ठीक है लगा दी, अब बांधो। अब इसको चेंज करो निम्बस को। निम्बस को मतलब इस पे लिखो, इस पे लिखो कि निम आई एम बैक एफएफजी माय लव, ऐसा योर लव, योर लव ब्रॉट मी बैक, इतना सारा आ जाएगा उस पे। आई एम बैक एफएफजी योर लव यही होती है ना भैया स्पेलिंग, हम इंग्लिश की क्लास में फेल हो गए थे। हाँ हाँ वो ही है। सही है क्या? सही है। यहाँ पर से तुम गोल्ड ब्लॉक उठाए क्या? हाँ एक गोल्ड ब्लॉक की रहा मेरे पास। फ्लावर्स लगाओ थोड़े से, फ्लावर्स लगा देता हूँ। रुको अनइवन सा नहीं लग रहा, रुको। अब ठीक है। हाँ ये पे कुछ लगाना है का आइटम फ्रेम पे? आइटम फ्रेम पे कुछ नहीं लगा रहा है, उधर पहले से ही लगा हुआ था ना। अच्छा गिफ्ट, आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू करके भी लिख दें क्या? मतलब कुछ तो वो लेके आया होगा गिफ्ट में। जब एटर्निंग, जब वो हेवन से आया होगा तो कुछ लेके आया होगा। वैसे अपन लोग एलिट्रा दे सकते थे पर एलिट्रा उनके पास पहले से ही है। वो भी है। सैडल, हाँ वो आर्मर दे सकते हैं इसका, हॉर्स आर्मर। पर हॉर्स आर्मर है तुम्हारे पास अभी? तो शायद है, गोल्डन है मेरे पास। चलेगा गोल्डन भी? नोप, घर पे पड़ा है। मेरे पास तो एक ही था वो, मैंने मतलब कि नहीं है मेरे पास। इंडिजेस देना। क्या गिफ्ट लगाना है इधर? खा रहा है घास। लीश दे दे क्या कि सैडल दे दे क्या दे? रहने दे ऐसे ही। मैं तो बोलता हूँ ये देते हैं, चलते हैं। अरे दिवाली की मिठाई है यार। हाँ दिवाली का मिठाई। देखो किसी वे गंदा प्रैंक करें या अच्छा प्रैंक करें, एक दिवाली की मिठाई तो छोड़ के जानी जानी। सही है। अपने नमन को नहीं दिए पर हैप्पी दिवाली करके लिख देते हैं इधर। कलर थोड़ा सा ऑफ है पर मैच कर रहा है ना। सही तो है, अच्छा लग रहा है। अपन को पता है एक वो बनाना पड़ चाहिए, एक सिंबल की वो शो कर सके कि अपन आए थे यहाँ पर। हाँ वही वही
उसके लिए एक बैनर बनाना रहेगा या कोई साइन, या फिर जो अरे हाँ साइन कुछ अच्छा वाला क्या बना सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ चोर होते हैं ना, जब वो चोरी करते हैं किसी के घर पे तो नल खुला छोड़ जाते हैं, ऐसा कुछ वैसा कुछ। अरे हाँ अपन को ऐसा ब्लॉक ले सकते हैं जैसे माइसिलियम हुआ या तो फिर पॉजल ब्लॉक, अपन जब भी जाएंगे वहाँ पर एक पॉजल ब्लॉक छोड़ के जाएंगे। ओके तो आप मेरा सिर देख सकते हो, सिर उस पर आप देखोगे तो येलो ब्लू और रेड कलर की पट्टियां हैं। या तो वैसा कुछ कर सकते हैं। अच्छा इसको पूरे को अपन लोग ऐसे कवर कर सकते हैं, रिंग बना सकते हैं और उसकी शीप फार्म के बगल बगल में पूरा कर सकते हैं ऐसा। पर उसके लिए फिर वो लेकर आना पड़ेगा ना अपन को, या तो फिर तीन तीन कलर सोचो जो अपन तीन झंडे जैसा बना सकते हैं, सिर्फ तीन ब्लॉक देखो और उसको लाइन से ऐसे बना सकते जोड़ सकते हैं। सोच रहा हूँ पर अपन को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए ना, वो हमको रिप्रेजेंट भी करती है वो चीज। या तो ऐसे कर सकते हैं जैसे मेरे सिर पे जो डिजाइन बना है और आपकी आंखों और नाकों का इस्तेमाल करके यहाँ पे डिजाइन बना दिया इन इन ब्लॉकों पे, और यहाँ पे आपकी आंख लगा दी और यहाँ पे आपकी लंबी दो ब्लॉक की नाक लगा दी। और उस थोड़ा ज्यादा हो रहा है फिर वो उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। अरे या तो फिर अरे यार, अरे हाँ एक काम कर सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं कि अपने हेड लगा सकते हैं आइटम फ्रेम में, लगा सकते हैं। पर मैंने भी वही सोचा था पर अपने पास इतने हेड्स नहीं है ना यार, फिर अपन को लेने पड़ेंगे बहुत सारे हेड्स। हाँ और अपन लोग अपनी प्रजाति वालों को नहीं मारना चाहते ना। प्रैंक को कौन सा आइटम है जो रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा सोचो जो प्रैंक रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखाता है कि हाँ ये प्रैंकस्टर है। ऐसा कर सकते हैं एक उल्टा पेड़ बना सकते हैं। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिमाग में आया, मैंने बस उस पेड़ को देखा मेरे को लगा कि चलो एक उल्टा पेड़ बना के चले जाएंगे उसके बेस पर। कर सकते हैं वैसे अगर चाहें तो, पर टाइम लगेगा थोड़ा बनाने में, बस बन सकता है। पर वो ही है ना, अपन कहीं पर छोटी जगह रखी वहाँ अपन को पैंग करा तो फिर अपन उसको कैसे लगाएंगे। मैं देख रहा हूँ मेरे इसमें कुछ मिलता है तो। अच्छा एक काम करते हैं ना, इधर ये फूल लगे हुए हैं इनमें से एक फूल निकाल के विदर रोज लगा देते हैं। पर विदर रोज कितना महंगा आता है पता भी है तुमको? ठीक है ना यार, एक प्रैंक के लिए तो कर ही सकते हैं ना, किसी से चुरा लेते हैं, अपन को कौन सा लेना है। आइकन बा के पास है पर उके चेस्ट में रखा हुआ है, तो आपको तो पता ही है उनके सारी चेस्ट अपने निकाल लो। उका मुझे पासवर्ड पता है पर तो निकाल लो, देखन दो हमें, ई में ही रखा था वो। जे रहा एक ही है बस, दो है, मैंने एक वापस रख दिया एक ले लिया। तो इधर लगाओ, इस पे लग सकता है क्या? एक बात है अगर अगर इसके पास लगाया तो विदर रोज विदर इफेक्ट देता है और मर जाएगा उनका उका घोड़ा। और एफएफजी भाई कभी कभी ऐसी नुबड़ाबंदी करते हैं, क्या पता वो मार ही डाले इसको। हाँ तो एक काम करते हैं, ग्लास की इसमें उसको कवर करके रख देते हैं ना। हाँ ये करते हैं कि यहाँ पे कहीं ग्लास कीज बनाते हैं अच्छा सा, या फिर ई पे रख सकते हैं, ई वाले ब्लॉक पे ऊपर एकदम ऊपर रख दो, जहाँ पे रख दो रख दो, किसी ब्लॉक पे रखा जा सकता है। नहीं नहीं ग्रास ब्लॉक पे लगेगा वो।
व्हाट शुड आई डू व्हाट शुड इसको तोड़ के ग्लास है क्या ग्लास है ग्लास है मेरे पास कितने हैं शायद ग्लास है नहीं है ग्लास मेरे पास एक बार एक अनबा का चेस्ट तो अनलॉक हो गया पर काय में रखे हुए नहीं पता मुझको ये देर लगा दो वेर द रोज और सोल सैंड है अरे मर जाएगा वो नहीं नहीं इधर नीचे लगाओ ना और उसके ऊपर ग्लास लगा देंगे हाँ ये ठीक है पर रुको एक वो लेने दो ग्रीन वाला ब्लॉक अच्छा दिखेगा अरे हाँ अरे इधर नहीं फिर इधर लगाओ ना ग्रीन वाला ब्लॉक तो कमी पस पड़े हैं लगाता हूँ पड़ा है सोल सैंड पड़ा है कुछ नहीं क्यों इधर लगाएंगे ना कोने कोने में वो तो लगा ही दो विदर रोज ठीक है तो सोल सैंड क्यों लगा रहे हो वहां पे ऐसे ही हाईलाइट होना चाहिए ना थोड़ा सा या तो टॉर्च लगा दो ना वहां पर नीचे तो उजाला रहेगा सोल सैंड से तो नहीं दिखेगा देखो अब उजाला दिख रहा है ना कहाँ पे लगाया आपने अरे यार लगा दे इसको ब्लॉक नहीं कर सकते ना तो इसको कांच लगाओ कांच है कांच तुम बोले तुम्हारे पास कांच है अरे हम भूल गए थे हमारे पास नहीं पर दिख नहीं रहा है वेदर रोज यार ऐसे वही ना इसको ऊपर कहीं लगाया तो सही लगेगा भैया जीपो ये क्रीपर तो हमको ही मार डालेगा थोड़ा ज्यादा से ला दिए क्या बाप रे मेरे को लगा वो फूट ही जाता था ऑलमोस्ट फूटने वाला था अपन को लेके जाता है निकली है ना हमको अभी अभी पिटाई पड़ने वाली है और ये अपन ने जो घोड़ा लाए थे वो भी जाता बेचारा हाँ वही मैं उसके लिए तो डरा हुआ था मैं भी वही सोच रहा था अरे बाप रे भाई व्हेन गॉन रॉन्ग हो जाता भाई अब ये आया कहाँ से यार इतनी देर से सुबह हो रही है यार साला पहले ये पकड़ो यार इधर लाओ इसको और यही रखा देते यहाँ तक नहीं आएगा घोड़ा यहाँ लगा रहा हूँ मैं बस Nice. पर रुको ऐसा लगा ब्लडी थीम लग रही है क्या क्रॉस में हाँ यहाँ लगाओ अब है ना सही ज्यादा ही सिमेट्रिक है यार सही तो था यार मतलब एसिमेट्री होनी चाहिए ना अब ये तो सब तोड़ के एकदम वही सेम के सेम ले आए अरे अरे लगाओ यार इधर उधर थोड़ा लगाना पड़ेगा तब अच्छा लगेगा थोड़ा ज्यादा हो गया शायद से चलेगा ठीक है ठीक है उन नहीं लगेगा ये अब ठीक है इसको भी कवर अप कर लेते हैं चलो बढ़िया फूल है क्या पीला फूल मिल गया ठीक है चलो हो गया अरे मर लो यार तुम उस पे पहले चलो चलाते हैं अब क्या करना है अरे सबूत मिटाओ पहले अरे
सबूत मिटा रहे हैं कि और बना रहे हैं सबूत? ये किसका बॉक्स? ये मेरा बॉक्स है। चलो चलें। अब कहाँ जाना है? नमन हो गया, FFG हो गया। टेम्पो डूड। उड़ के ना जाओ, उड़ के जाओगे तो हमको रॉकेट देके जाओ थोड़े से। आ गए भैया आ गए। ओ, हम तुम्हें मारना चाह रहे थे, हम खुद ही मर गए। गलत बात हो। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा प्रैंक नंबर वन। इसके बाद एक और एपिसोड आएगा जिसमें मैं प्रैंक करूँगा एक और बंदे के साथ, मतलब कि हम प्रैंक करेंगे। हमको हमारी टीम का नाम वैसे रखना है, कुछ सोचा है? नहीं अभी तो नहीं सोचा। चलो हमारा ऑफिस पर बहुत सारे हमारे फैंस हैं, मैंने देखा है, तो वो हमें बता सकते हैं। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि लूपी और जीपो की टीम का नाम क्या होना चाहिए। हम हैं सोफिस्टिकेटेड प्रैंकस्टर। और ये हमारा जो सीक्रेट बेस है, ये हमने कहाँ बनाया है, सोच सकते हो क्या? गेस करो। जो गेस करेगा उसको मिलेगा एक स्पेशल दिवाली गिफ्ट। यस। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी ये बेस बनती जाएगी, हम हमारे प्रैंक्स और एडवांस करते जाएंगे। ओके, ये हमारी सीक्रेट लैब है, अंडर पता नहीं कहाँ है। ऑलमोस्ट जस्ट क्लोज्ड इट। यस, सो आप सभी को लीपो और जीपो की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। लीपो नहीं है, मेरा नाम लूपी है। ठीक है, लूपी अपने टीममेट का नाम नहीं होता। सॉरी, लूपी और जीपो की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली आप सभी को। ये हैप्पी दिवाली बॉयज, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन सी ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। ए लूपी, तुम नए नहीं होते दिन से, देखो तुम्हारे से बांस आ रही क्या क्या निकल रहा है। हाँ तो प्रैंक करते कम से कम, यहाँ के तो आया करो। अरे आज सैटरडे कौन नहाएगा यार? सैटरडे ही नहाते हो कि संडे? अच्छा दिवाली नहाते हो ना? कल दिवाली, कल नहाना तुम। हाँ कल नहाऊंगा।